बेस्ट थ्री फिंगर गेम प्ले। ये क्या है, रुक एक सेकंड देखता हूँ। ओ भाई इतना ज्यादा फास्ट हिटअप ग्लोल 360 डिग्री ग्लोल कैसे लगा रहा है ये, और वन टैप तो देखो कितना ज्यादा इजीली मार रहा है यार। मेरे को भी थ्री फिंगर खेलना है यार, मैं भी थ्री फिंगर खेलूंगा। रुको इसके जैसे ही कस्टम एचडी रखूंगा। इस कस्टम एचडी की अभी मुझे जरूरत नहीं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी मैंने उसको जैसे कस्टम एचडी बिल्कुल रख दिया। अभी इसके ऊपर हैंडसेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग खेलता हूं। अरे यार मेरा दोस्त इतना ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया ना। हाँ बोल यार क्या हुआ। अरे भाई मामला बिगड़ गया। क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ गई? हाँ यार हाँ, बट एक सेकंड, तुझे कैसे पता चला? अब बता यार बता, तुझे कैसे पता चला? समझ रहे हो, जल्दी बता यार जल्दी बता, मेरे को तेरे ऊपर डाउट हो रहा है। अरे यार चुप बैठ, मेरी मम्मी थी और मैं बता दूं, मैं वैसे ही बोल रहा था, मुझे क्या पता था तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई। अच्छा वो सब छोड़, मैं तेरे को इसलिए रिक्वेस्ट भेज रहा था क्योंकि हम लोग को दो बंदे चैलेंज कर रहे, तो तू बता तू खेलेगा कि नहीं खेलेगा? यार मैं नहीं खेल सकता, मैं अभी जस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचडी पे शिफ्ट हो रहा हूं। अच्छा ऐसा है क्या, बट तेरे को गाली दे रहा था? क्या गाली दे रहा था? हाँ यार हाँ। एक सेकंड क्या करूं यार, वो गाली दे रहा था और अगर मैं इधर नहीं बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी इसके सामने, और उसे भी गाली दिया तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ यार बोल उसको कस्टमर आने को, गाली कैसे दे सकता है, जा तू बोल उसको। इन लोग कितनी हिम्मत मेरे को गाली देंगे भाई, तू स्टार्ट करते को 007 से हराऊंगा, तू देख लास्ट राउंड में तेरा 07 रहेगा 07। A few moments later, ये क्या हो गया? So what's up guys, कैसे हो आप लोग? तो गाइस सच बताना क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है? मुझे पता है ऐसा बहुत सारे बंदे लोग के साथ होता होगा, तो मैं बता दो अगर आप ऐसे करके थ्री फिंगर कस्टमर पे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो टेंशन मत लो क्योंकि आज के वीडियो में तुम्हारा भाई बताएगा कि आप थ्री फिंगर कस्टमर पे कैसे शिफ्ट हो सकते हो, और आज के वीडियो में ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आप थ्री फिंगर कस्टमर पे जब शिफ्ट होंगे तो बीच में आप कस्टम भी खेल सकते हो एंड यस रैंक भी खेल सकते हो, आपका रैंक भी माइनस नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज के वीडियो में ये भी बताने लगा कि थ्री फिंगर कस्टमर के क्या क्या प्रॉफिट है। मुझे पता है बस मूवमेंट तो मिलता है और क्या। चुप। तो गाइस बहुत सारे बंदे लोग को लगता है कि सिर्फ मूवमेंट मिलता है, तो ऐसा नहीं है, मूवमेंट के साथ बहुत सारे और प्रॉफिट होते हैं जो कि आज के वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दबा ही दो मीन सब्सक्राइब बटन। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी बिना टाइम के हम लोग जानते हैं कि थ्री फिंगर कस्टमर पे शिफ्ट होने का सही तरीका क्या है, जिससे अगर आप थ्री फिंगर कस्टमर पे शिफ्ट हो रहे हो तो बीच बीच में रैंक भी खेल पाओ, कस्टम भी खेल पाओ, नहीं रैंक माइनस होने का टेंशन एंड नहीं कोई गाली मीन्स कोई कस्टम हारने का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो गाइस अभी बिना टाइम के हम लोग जानते हैं अगर आपको थ्री फिंगर कस्टमर पे शिफ्ट होना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले शुरू के दो दिन मीन्स जब आप थ्री फिंगर कस्टमर पे शिफ्ट होने जाते हो तो जो शुरू के दो दिन है उसमें आपको क्या करना है, जो आपके थ्री फिंगर में एक एक्स्ट्रा उंगली होता है मीन्स ये वाला, इधर आपको कोई एक बटन रख देना जिससे इस उंगली को आप यूज कर सको। कौन सा भी बटन रख देना, मैंने इधर लेफ्ट वाला फायर बटन रख दिया, आप कोई ओपन स्विच बटन भी रख सकते हो। टू फिंगर में आप दोनों में से कोई एक ही बटन इस्तेमाल करते होंगे, तो जो बटन आप चाहो उधर रख सकते हो और एक ही बटन ही रखना है उधर, और फिर आपको जाना है ट्रेनिंग में, जैसे मैं ट्रेनिंग में आ चुका हूँ, और आपको प्रैक्टिस करना है दो दिन, आपको आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करना है, जब तक आपको लगे नहीं कि मेरा ये जो उंगली अच्छे से सेट हो चुका है इधर इस बटन पे, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। तो गाइस आपने दो दिन प्रैक्टिस कर लिया, और मुझे पता अगर आपने दो दिन प्रैक्टिस किया रहेगा या तीन दिन प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपका जो थर्ड फिंगर में एक्स्ट्रा उंगली होता है वो उंगली उधर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अभी आपको सोचना है कि जो उंगली एक्स्ट्रा उस उंगली की जगह पे आपको कौन सा बटन रखना चाहिए। मैंने तो इधर अभी कुछ भी रख दिया था, अभी सोचना है कि इधर कौन सा बटन रखना चाहिए। तो कौन सा बटन रखना चाहिए वो आपके वीक पॉइंट के हिसाब से होता है। तो गाइस आप अच्छे से समझे नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो आप अच्छे से नहीं कर पाते, जैसे कि आप फास्ट ग्लो नहीं लगा पाते हो, तो उधर आप लेफ्ट वाला बटन रख सकते हो, मीन लेफ्ट वाला जो फायर बटन है वो आप रख सकते हो। अगर आप फास्ट स्विचिंग नहीं कर पाते वन टैप मारने के बाद या AWM चलाने टाइम पे, तो उधर आप क्विक वेपन स्विच बटन रख सकती हो। और मैंने ये शुरू में क्यों नहीं बोला रखने को, क्योंकि शुरू में आपको मैं बस ये करना चाहता था, जो आपका एक्स्ट्रा उंगली है उसको मैं अच्छे से सेट करना चाहता था उस जगह पे, तो उस बटन को आपको चेंज कर लेना। तो मैं भी कर रहा हूँ, देख सकते हो मैंने कुछ और ही बटन पहले रखा था क्योंकि मेरे को बस उंगली सेट करना था। तो देख सकते हो मैंने इधर क्विक ओपन स्विच बटन रख दिया क्योंकि मेरे को स्विचिंग चाहिए। अगर आपका ग्लो अच्छे से नहीं लगा तो इधर लेफ्ट वाला फायर बटन रख सकते हो। तो ये वाला बटन रखने के बाद आपको फिर से प्रैक्टिस करना और दो दिन करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये भी फिर से ट्रेनिंग में ही करना है, रैंक में बिल्कुल मत करना, नहीं कस्टम में करना है, ट्रेनिंग में ही करना है जो भी करना है, वो भी दोनों दिन कम से कम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक आप कर सकते हो। अभी बिना टाइम के हम लोग जान लेते हैं, आपने दो दिन तक प्रैक्टिस किया, आपका उंगली भी अच्छे से सेट हो चुका है उस बटन पे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस उसके बाद आपको करना है कस्टम एचडी में थोड़ा सा चेंजेस। अच्छा कस्टम एचडी में चेंजेस करना है, रुको एक सेकंड। अब लग रहा है ना एकदम राइस्टा जैसे कस्टम एचडी।
ये थोड़ा सा चेंजेस है। मैंने बहुत सारे बंदे लोग को देखा यही गलती करते, वो एकदम से कस्टमाइजेशन चेंज कर देते हैं और फिर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वो मरते हैं, फिर वापस से पहले जैसे कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे करो, और मैंने इतने तक आपको बताया, इसके बाद आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम कर देना है, धीरे धीरे महीने का टाइम लो, हफ्ते का टाइम लो, धीरे धीरे चेंजेस करो और फिर कुछ दिनों बाद आपका कस्टमाइजेशन भी ऐसा ही बन जाएगा और फिर आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है और फिर आप देखते ही देखते बहुत ज़्यादा प्रो बन जाओगे मेरे ट्रिक को फॉलो करके। और मुझे भूल मत जाना, और तुम्हें बहुत सारे बंदे लोग चेस करेंगे। ओ भाई क्या गेम प्ले तेरा, ओपी ओपी, तू हैकर तो नहीं है प्रो? ओ भाई अल्ट्रा लेजेंड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हंसदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो गाइस ये था सही तरीका थ्री फिंगर कस्टमाइजेशन पे हैंडसेट करने का। तो मैंने जैसे शुरू में वीडियो में बोला था कि मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने वाला हूं थ्री फिंगर का, तो वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज में आ जाता है सबसे पहले फास्ट मूवमेंट जो कि आपको मिलने वाला, और फास्ट मूवमेंट के साथ फास्ट सेटअप ग्लोअर, फास्ट 360 डिग्री ग्लोअर भी लगा पाओगे। उसी के साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आप बहुत ज्यादा फास्ट स्विचिंग कर पाओगे। AWM चलाना चाहते हो तो AWM के अंदर भी कर पाओगे। उसी के साथ गाइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आप दिखावा कर सकते हो कि मैं थ्री फिंगर में खेलता हूँ। भाई तुझे पता है मैं थ्री फिंगर में खेलता हूँ, थ्री फिंगर में तेरे को एकदम 0-7 से हराऊंगा, मैं तेरे साथ खेलने वाला भी नहीं हूँ। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं कर दिया। तो गाइस जोक सपाट, अभी बात करते हैं थ्री फिंगर डिसएडवांटेज की, कि आपको थ्री फिंगर कस्टमाइजेशन में क्या क्या डिसएडवांटेज मिल जाते हैं, तो उसी से आप सोचोगे कि आपको थ्री फिंगर में खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, अगर आप थ्री फिंगर खेलते हो तो आपका जो उंगली वो बहुत ज्यादा दुखता है। ओके ठीक है, अभी बात करते हैं गाइस दूसरे डिसएडवांटेज की। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये, अगर आप थ्री फिंगर खेलते हो तो बटन्स बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कुछ दिक्कत। अभी बात करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आपको थ्री फिंगर कस्टमाइजेशन पे शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको कस्टम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है तो हाँ करना चाहिए। अगर आप रैंक खेलते हो तो भी नहीं करना। मगर हम लोग भी क्यों? तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, एंड आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेंशन मत लो यार, मैं जल्दी एक्टिव हो जाऊंगा साइड से। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।